आज के सफर में हमारा YouTube फैमिली से आदिति मिल गई है, ठीक है ना। और हाय तो बोल दो, और मेरा वीडियो देखती है बतलाई, मुझे अच्छा लगा। चलिए, तो इसके साथ ही आज के दिन मतलब शाम की शुरुआत कर भी देते हैं। बने रहिए आप लोग, और हजारीबाग जा रहे हैं तो हजारीबाग पहुंचते हैं, उसके बाद आप लोग से। और अभी हम लोग चरही पहुंच गए हैं, और चरही के बाद अभी चरही घाटी आएगा। कई बार मैं निकलाई हूँ, आज फिर मतलब कि पहाड़ी की खूबसूरती को मैं आप सबों को ये रही चरही घाटी। और ये चरही घाटी जंगल, अपने पाए जा रहा है। कल शाम में मैं आई, लेकिन वीडियो कंटिन्यू नहीं हुआ, और आज सुबह हो गया। तो कौन सा पर्व मनाए आप लोग? सुनामी महापर्व। हाँ, तो सुबह सुबह एकदम कितना बज रहा है, कितना बज रहा दादा? 8 बज रहा है। हाँ, 7 बजे ही दे के आगे, और 8 बज रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग भी चुनावी महापर्व मनाइए आज का, झारखंड का है कि नहीं? हाँ, हाँ। तो चलिए, और गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, तब गुड मॉर्निंग जय जीसू सब बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग सबको। हाँ, जय जीसू। हाँ, चलिए अब भाभी का घर घुमाते हैं आप सबों को, और भाभी का बगान दिखाते हैं आज, है ना। चलिए, भाभी का नीचे वाला घर को नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, भाभी ऊपर नया बना रही है, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर कि क्या क्या बनाई, कितना बनाई, वही देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग बने रहिए, और बैक कैमरा से मैं दिखलाती हूँ। यहाँ सीढ़ी लास्ट हो गया, तो बैक कैमरा ऑन करती हूँ। ट्रिप्लेक्स टाइप का है, तो वो जो दिखाई पड़ रहा है वो किचन का दरवाजा है, और उसे सटा हुआ सीढ़ी जिससे कि मैं आई, और ये कंटिन्यू यहाँ तक, कंटिन्यू ऊपर तक जाएगा, वो नजर आ रहा है छत। इसके बाद एक ये रूम, एक रूम अंदर में किचन है ना, बहुत लोग ऐसा खोजते हैं। चले दूसरे रूम दिखलाती हूँ, और जैसे ही इस रूम से निकलेंगे तो सामने एक रूम है जो कि अभी निर्माणाधीन है, बन ही रहा है ना, और उसके साथ ये किचन एक रूम इधर में, मतलब ये जो है दो रूम किचन और उसका टॉयलेट इधर, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो ये वॉशरूम और ये रूम, और ये जो बगल वाले रूम इसके साथ अटैच है, सामान वामान रखने के लिए रैक। और ऊपर से दिखलाती हूँ जरा, और ऊपर से दिखलाती हूँ आप सबों को। हाँ, और वो बहन, और ये हमसे छोटा वाला भाई, इसी की वजह से हमको आना पड़ा है। ये सुबह सुबह दादा खाद देने जा रहे हैं। ये बगान जिसमें कि लहसुन, आलू, इधर गोभी, ये सब लगा हुआ है।
आम का पेड़, जिस आम का फल बहुत खाते हैं और इसी में भानलोग रहती है। ये नारियल का पेड़ और ये भाभी लोग जहाँ रहती है वहाँ का पूरा मोहल्ला है ना, बहुत सारे घर हैं, पूरी बस्ती बसी हुई है। ठीक है, अब मैं नीचे चलती हूँ और जब पूरा घर बन जाएगा तब मैं अच्छे तरीके से दिखलाऊंगी आप सबको, ठीक ना। और ये भाभी का घर से अब मैं निकल रही हूँ तो बैक कैमरे से दिखलाती हूँ कि बहुत सारे लोग फूल वगैरह लगाए हैं, ठीक है ना। जैसे दरवाजे से बाहर आएंगे तो ये सब बहुत सारे फूल पौधे लगे हुए हैं, और ये सामने में जो है वो अरहर का पौधा, उसके पीछे एक उड़हुल का, और ये क्या है, नारियल। और चलते चलिए, इधर जो है, और इधर जो है बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, देखिए फूल के पौधे। ओह, तो ध्यान में ही नहीं है, ये बिल्कुल अरहर बहुत बड़ा बड़ा पेड़ हो गया है। और ये टमाटर, टमाटर तो बहुत अच्छा हुआ है दादा, फल तो रहा है, आ? तो फल भी तो ठीक ही लगा है। अब क्या कर, खाद दे रहे हैं। और ये कुआं देखिए, दादा पूरा एकदम खाद दे रहे हैं, लहसुन और गोभी लगाए, फूल गोभी ना बंदा गोभी, अच्छा तीनों है। एक खा के तो अंसा जाएंगे ना। हाँ, फूल गोभी है, अच्छा भी है। अच्छा ब्रोकली भी है। और इधर में बरबट्टी सब लगा, सेम और अथी बोदी लगल होगा ना, ये क्या चीज का लतर है, सेम और बोदी, अच्छा फ्रेंच बीन का है। कौआ जो है काँव काँव कर रहा है, और जब इधर मुड़ेंगे कौआ काँव काँव कर रहा है, ये तभी से इसको आलू सोच रहे थे, पर ये मटर है, उधर लहसुन है, और जैसे इधर मुड़ेंगे इधर तो ये जो है जहाँ तक दिखाई पड़ रहा आप सबों को, आलू, आलू मिलेगा ना दादा मेरा परिवार वालों को, है? मेरा YouTube परिवार को आलू दीजिएगा ना। दे देंगे। अच्छा हमको तो आलू खाना नहीं है, तो क्या करूँगा। अच्छा ठीक है। और उधर में जो सूखे सूखे पौधे लग रहे हैं हल्दी का, मेरी गॉड, ये पौधा सही रहता है गेंदा का, एकदम खिलता है। नहीं रे, यही वाला सही रहता है। और इधर में पूरा खरीद के लाई है बहन और लगाई है। हाँ, इधर में देखिए पूरा नया नया पौधा, और ये जो है वो लिलियम, और ये जो है मैडम, गुड मॉर्निंग बोलो तब। हाँ, और कुछ तो नहीं बोलोगी, लाइक शेयर भी तो बोल दो कम से कम। नहीं बोलेगा बाबा, हम आ गए हैं ना शेर ऐसे ही। ओ, ये दिखा दो, दादा लोग दिखाए। हाँ, अच्छा आज महापर्व मना के आए, चुनावी महापर्व। और ये देखिए, इसका तो नाम नहीं जानते, जानती है होली हॉक। अच्छा, बहुत अच्छा तुम्हारा लेकिन हुआ है, ठीक है ना। मेरा तो एकदम हेल्दी नहीं हुआ, वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सब खाली हम तो घूमते ही मेरा समय बीतता है, ठीक है ना। वो लगा हुआ है ये गमला। हाँ, बोल रहे हैं कुछ, ये धो दे। अच्छा, भाभी साग दे रही है, ये है, ये तो अच्छी है,
स्ट्रॉबेरी। हाँ हम भी लगाए थे, मेरा गमला में कितना बड़ा होगा, छोटा छोटा होता था। ये हल्दी बड़ा गमला था नहीं, हाँ वाला सीमेंट वाला जो होता है तो कुछ। हाँ और बहन का स्टूडेंट वीडियो इसीलिए हमको शुरू करना पड़ा कि इनकी आते समय इनकी स्टूडेंट से मिले थे, जो कि सबसे पहले मतलब वीडियो में आप सब उनको गुड मॉर्निंग बोली है, वो भी एक दिन पहले का, आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, ठीक है ना। एक टीचर होने के कई सारे फायदे हैं, जहाँ जाइए जिधर जाइए हमारे बच्चे मिलते ही मिलते हैं। हाँ हमको याद है जब हम वो छोड़े थे ना सिरई, अचानक विष्णुगढ़ में बैठे एक बच्चा आया और एकदम पैर छूने लगा। पहला बार छोड़े थे तो हमको एकदम समझ में आ गया, हम बोले कौन जी, तो फिर अपना नाम बताया। ऐसा होता है हम लोगों का, अच्छा लगता है, ठीक है ना। अभी जैसे कि मैं बतलाई कि कहीं ना कहीं शिक्षक होने का बहुत सारे हम लोगों को मतलब कि सम्मान मिलता है ना, इज्जत मिलता है कहना चाहिए। हाँ तो आदिति आपकी मिस जो है आपको पहचान ली, हाँ नाम शुरू में नहीं याद की लेकिन डायरेक्ट बोली संजीता रंजीता हाँ, की बहन है, ये लोग पांच छह बहन है, ठीक है ना। हाँ तो अपने जो विद्यार्थी होते हैं ना अपने बच्चे की तरह होते हैं, इतनी आसानी से नहीं भुलाया जाता है। हाँ काफी लंबा गैपिंग होने से तो थोड़ा हाँ, नाम भूल जाते हैं लेकिन वो तो फेस याद ही रहता हाँ, है। तो चलो मिस जो है याद करती है, ऐसी बात नहीं है कि भूल गई है ना। चलिए ठीक है, कुछ बोलोगी अपने विद्यार्थी के लिए? हाँ। जहाँ भी हो आगे अच्छी तरह से पढ़ो बढ़ो, है ना, अपनी ऑल द बेस्ट। हाँ अपनी मंजिल को अपनी मंजिल हाँ। तक पहुंचो। हाँ। दादा पूरा अपना बगान का मतलब कि मटर का कोड़ा करने जा रहे। अच्छा ना, तो आप लोग सिर्फ आलू ही खाने मत आइएगा, दादा मटर भी खिलाएंगे। अब दादा बोलेंगे कि सब मेरा बंटवारा कर दे रहे, ऐसा नहीं ना सोचिएगा। हमको तो ऐसे भी नहीं, बहुत कम चीज खाना, खाना लेकिन खाना। अपना शौक ये करते हैं ना। चलिए ठीक है। हाँ बोलिए। मटर की खेती मैं अपनी बेटी के लिए करता हूँ, अपने लिए नहीं करता। हाँ अभी बेटी अभी अभी उठी है ना, तो बेटी का चेहरा भी नहीं दिखला सकते हैं।